हाय किड्स, हाय सर। देखो ये कितना लिखा है? 21 है ये? 12। आप पीछे से देख रहे हो ना, इसलिए आपको 21 दिखाई दे रहा है। इधर से क्या दिख रहा है? ये 12। ये कितना लिखा है देखो, ये क्या लिखा है देखो, money, money मतलब मनी का मतलब होता है पैसे। ठीक है, सारे बच्चों ने पैसे देखे हैं। अब देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये कितने रुपए का सिक्का बना हुआ है? One. ये two. Five. और ठीक है, और ये जो दूसरी साइड है ये इनके पीछे की साइड है। ठीक है, 1 रुपए का जो कॉइन होता है उसके पीछे की साइड भी कुछ होता है। ठीक है, वैसे ये सारे जितने भी सिक्के हैं उनके पीछे भी कुछ कुछ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लेने, जब भी हम कुछ सामान खरीदने दुकान में जाते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? पैसे। बिना पैसे के कोई सामान ले सकते हैं हम? क्यों नहीं ले सकते हैं बिना पैसे के? क्योंकि पैसे हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमको सामान नहीं मिलेगा। अब देखो ये वाला जो नोट है, कितने रुपए का नोट है? 5, 10, 20। ठीक है, अब माना मैं बोलूँ की जो ये 10 रुपीज का जो नोट है, इसके बदले अगर हमारे पास सिक्के हैं, अगर हम ये 5 रुपीज का सिक्का रख लें तो कितने सिक्के रखने पड़ेंगे? 10 रुपए की जगह 5 रुपए के कितने सिक्के रखने पड़ेंगे? माना मेरे पास 10, माना आपके पास 10 रुपए हैं और मैं बोलूँ कि भाई आप मुझे अपने 10 रुपए दे दो और मैं आपको उसके बदले सिक्के दूंगा, तो मैं कितने सिक्के दूंगा आपको? 5 के? 2। वेरी गुड, कितने? 2। और एक एक के, माना मैं बोलूं कि मैं आपको, आपसे आपके 10 रुपए लूंगा और मैं उसके बदले आपको एक एक के सिक्के दूंगा, तो कितने दूंगा फिर? 3, 4, 7, 5, 10 रुपए। हाँ, एक एक के कितने सिक्के दूंगा मैं आपको? 10। एक एक के मैं 10 सिक्के दूंगा, तभी तो 10 रुपए होंगे ना। ठीक है, समझ आई? यस।